पेपर वन पेपर टू का डेली वीडियो पीडीएफ पाने के लिए आप हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। पेपर वन पेपर टू का फुल कोर्स पीडीएफ ले सकते हैं या घर बैठे बुक्स भी मंगवा सकते हैं। उसके लिए आपको हमें कॉन्टैक्ट करना होगा या व्हाट्सअप करना होगा इस नंबर के ऊपर। सारी जानकारी आपको यहाँ पर दे दी जाएगी। तो फ्रेंड्स, आज हम शुरू करेंगे ICT यानी कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का पार्ट 3, जिसका नाम है जनरल एब्रीवेशन। तो फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। इसमें आपको मैं सारी एब्रीवेशन बता दूंगा जो इंपॉर्टेंट है, और साथ में आपको मैं कुछ एक्स्ट्रा काम भी इसमें बता दूंगा कि ताकि आपको कोई और वीडियो ना देखनी पड़े, ना ही आपको कुछ और पढ़ना पड़े। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात आती है AGP। AGP की फुल फॉर्म क्या है, यानी कि इसकी एब्रीवेशन क्या है? एक्सेलरेटेड ग्राफिक पोर्ट। ठीक है, एक्सेलरेटेड ग्राफिक पोर्ट। नेक्स्ट है PC। PC यानी कि पर्सनल कंप्यूटर। नेक्स्ट है EPROM, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। BIOS, BIOS की फुल फॉर्म है बेसिक इनपुट एंड आउटपुट सिस्टम। HDD यानी कि हार्ड डिस्क ड्राइव। ठीक है, नेक्स्ट है PCI यानी कि पेरीफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट। ठीक है फ्रेंड्स, आप ये देख सकते हैं कि ये बहुत सारे ज़्यादा टफ हैं, ये आपको ये पेपर में आसानी से पूछ लेते हैं कि बताइए इसकी फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, नेक्स्ट है UNIVAC यानी कि यूनिवैक, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है, नेक्स्ट है GUI यानी कि ग्राफिक यूजर इंटरफेस। USB की फुल फॉर्म क्या है? यूनिवर्सल सीरियल बोर्ड। फ्रेंड्स, यहाँ पे यूनिवर्सल सीरियल बस आएगा, यहाँ पे गलत लिखा है, यूनिवर्सल सीरियल बोर्ड नहीं है, यूनिवर्सल सीरियल बस आएगा यहाँ पे, आप इसको बोर्ड का बस कर लेना। नेक्स्ट है VGA। VGA की फुल फॉर्म है विजुअल ग्राफिक एडेप्टर। नेक्स्ट है MAN यानी कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट है ASCII यानी कि अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। WAN यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क। EBCDIC यानी कि एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। नेक्स्ट है LAN, इसकी फुल फॉर्म है लोकल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट है EEPROM, इलेक्ट्रिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट है EAPROM, इलेक्ट्रिकल अल्टरेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। देखिए, यहाँ पे ई और ए का फ़र्क है, अगर दोनों दो बार डबल ई आए तो इरेजेबल आएगा, अगर ई के बाद ए आए तो आएगा अल्टरेबल। ठीक है, बाकी सारा सेम ही है। नेक्स्ट है CPU यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसे बोलते हैं ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। नेक्स्ट है OS यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट है ALU, अर्थमेटिक लॉजिकल एंड लॉजिक यूनिट। नेक्स्ट है DVD, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। CD, कॉम्पैक्ट डिस्क। ROM, रीड ओनली मेमोरी। VDU यानी कि विजुअल डिस्प्ले यूनिट। RAM, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ICT, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जो हमारा सब्जेक्ट है ये। PROM, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। URL की फुल फॉर्म क्या है? यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। IDE की फुल फॉर्म क्या है? इंटीग्रेटेड ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक्स। FORTRAN यानी कि फॉर्मुलर ट्रांसलेटर। ठीक है, नेक्स्ट है MOS, मेटाऑक्साइड सेमीकंडक्टर। ATX की फुल फॉर्म क्या है? एडवांस टेक्नोलॉजी एक्सटेंडेड। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक्स की वजह से यहाँ पे एक्सटेंडेड आएगा, तो इसको आप ध्यान से देखना। नेक्स्ट है SIM, SIM सिम, जो हमारी फ़ोन में सिम डलती है उसकी फुल फॉर्म क्या है? सिम की सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल। नेक्स्ट है MHZ यानी कि मेगाहर्ट्ज़। नेक्स्ट है ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। नेक्स्ट है GHZ यानी कि GHz। DBMS, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। SQL, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। RW, रीराइटेबल। ठीक है, रीराइटेबल डिस्क आती हैं जिसको आप इरेज करके दोबारा से फिर उसमें कुछ ना कुछ ऐड कर सकते हो। ठीक है, SDT, सीरियल डाटा ट्रांसमिशन। CAN, CAN की होती है कैंपस एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट है SIMS, SIMS, सिंगल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल। नेक्स्ट है PAN यानी कि पर्सनल एरिया नेटवर्क। DIMMS यानी कि ड्यूल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल। CMOS यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री मेटाऑक्साइड सेमीकंडक्टर। ENIAC की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक नंबर इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। CMD की फुल फॉर्म है कमांड। ATSEC की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक डायलॉग स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर। MAC यानी कि MSC की फुल फॉर्म क्या है? मीडिया एक्सेस कंट्रोल। नेक्स्ट है IC यानी कि
इंटीग्रेटेड सर्किट, आप देखते हो ना, चाहे आपका टेलीविजन हो चाहे कंप्यूटर कुछ भी हो, उसमें आईसी लगा होता है, आईसी के फॉर्म क्या है, इंटीग्रेटेड सर्किट। नेक्स्ट है एलएसआईसी, लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। डीआईआर मतलब कि डायरेक्टरी। गीगो, जीआईजीओ की फुल फॉर्म क्या है, गार्बेज इन गार्बेज आउट। पीएचपी की फुल फॉर्म क्या है, पीएचपी हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। नेक्स्ट है डॉक यानी कि डॉक्यूमेंट। पीडीटी यानी कि पैरेलल डाटा ट्रांसमिशन। पीडीए यानी कि पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। यूडब्ल्यूएसडी यानी कि अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा। WWW की फुल फॉर्म क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब। कोबोल की फुल फॉर्म है कॉमन बेसिक ओरिएंटेड लैंग्वेज। CCNP सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क प्रोफेशनल्स। बेसिक फुल फॉर्म है बिगिनर ऑल पर्पज सिम्बॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, तो ये आपको ये आ सकता है। CEH की फुल फॉर्म है सर्टिफाइड एथिकल हैकिंग। TCP की फुल फॉर्म है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है CSS यानी कि कास्केडिंग स्टाइल शीट। सिस्को CISCO की फुल फॉर्म है कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सिस्टम कंपनी। XXS यानी कि XXS की फुल फॉर्म है क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, तो आप इसको अच्छे से देख लेना है इसकी फुल फॉर्म। XML की फुल फॉर्म है एक्सटेंडेबल मार्कअप लैंग्वेज। HTML की फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। CCNA की फुल फॉर्म है सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट। RFI रिमोट फाइल इंक्लूजन। HTTP यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। DDoS यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन डेनियल ऑफ सर्विस। VPN की फुल फॉर्म है वर्चुअल नेटवर्क वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। SEO की फुल फॉर्म है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। एंड नेक्स्ट है IP यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो फ्रेंड्स ये थी जनरल एब्रीवेशन, ठीक है, ये ICT की जनरल एब्रीवेशन है। तो इसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट हम करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम एंड डाटा स्टोरेज बेस्ड। अब हम वो एब्रीवेशन करेंगे जो ऑपरेटिंग सिस्टम में और जो डाटा स्टोरिंग जो स्टोरेज के बेस पे जो इस्तेमाल की जाती हैं। तो नेक्स्ट है BIOS। देखिए फर्स्ट है इसमें BIOS यानी कि इसकी फुल फॉर्म क्या है, जो मैंने यहाँ पर हाईलाइट कर रखा है वो इसकी फुल फॉर्म है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम विच कंट्रोल द कंप्यूटर टेलिंग इट व्हाट ऑपरेशन टू परफॉर्म। यानी कि ये कंप्यूटर को कंट्रोल करता हो ये बताता है, ये BIOS ये बताता है कि क्या ऑपरेशन क्या परफॉर्म करना है, ठीक है। यानी कि हम जब कंप्यूटर को कमांड देते हैं इनपुट करते हैं तो वो हमें क्या रिजल्ट बताएगा, तो उसे क्या कहते हैं BIOS, ठीक है। ये चिप में ये मदरबोर्ड में एक चिप लगी होती है, इसमें इंस्ट्रक्शन ये होती हैं। नेक्स्ट है बाइट BYTE यानी कि ए बाइट इज़ अ स्टोरेज यूनिट ऑफ डाटा। बाइट क्या है, एक डाटा का जो स्टोरेज यूनिट है। नेक्स्ट है CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, वही ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, ठीक है। नेक्स्ट है OS यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम, ये क्या ऑपरेटिंग सिस्टम है, द मेन प्रोग्राम इट इज द मेन प्रोग्राम ऑफ दैट रन ऑन ए कंप्यूटर एंड बिगिंस ऑटोमेटिकली व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न ऑन। देखिए जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो उसका अपने आप जो कंप्यूटर जो प्रोसेसिंग लेके जो स्टार्ट हो जाता है तो उसे बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट है PC यानी कि पर्सनल कंप्यूटर। PDF की फुल फॉर्म क्या है, देखिए आएगा कहते हैं ना कि PDF में डाटा लो PDF में लो, PDF की फुल फॉर्म क्या है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ठीक है। नेक्स्ट है RAM यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी विच इज़ द स्पेस इनसाइड द कंप्यूटर दैट कैन बी एक्सेस एट वन टाइम। इफ़ यू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ RAM देन यू विल इंक्रीज द कंप्यूटर स्पीड, ठीक है। यानी कि अगर आपको कंप्यूटर की जो बढ़ानी है स्पीड बढ़ानी है तो आपको RAM को भी इंक्लूड करना पड़ेगा या इंक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो RAM होता क्या है, RAM आपकी जैसे आते हैं ना कंप्यूटर का, उसमें RAM कितनी है, 8 GB RAM है 4 GB RAM है ऐसे करके, ठीक है, आपके मोबाइल में जो RAM होती है, ठीक है। नेक्स्ट है ROM रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट है VGA वीडियो ग्राफिक एरे इज अ सिस्टम ऑफ डिस्प्लेइंग ग्राफिक। हमें जो हमें पिक्चर जो दिखती है, जो फोटो दिखाई देती है, कुछ भी दिखाई देता है कंप्यूटर स्क्रीन पे उसे बोलते हैं VGA, ठीक है। अब देखिए वो एब्रीवेशन करेंगे जो कनेक्टिंग टू द इंटरनेट नेटवर्क बेस। जब हम इंटरनेट के साथ जब हम कनेक्ट करते हैं तो उसके हिसाब से कौन सी जो एब्रीवेशन करनी है। पहली FTP यानी कि फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये क्या है, विच मूव्स ए फाइल बिटवीन कंप्यूटर यूजिंग द इंटरनेट। जब हम कंप्यूटर चलाते हैं जब उसमें इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं तो उसके जरिए हम फाइल जो है वो
ट्रांसफ़र करते हैं, मूव करते हैं, तो उसे बोलते हैं एफटीपी के द्वारा ही करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एसटीएम, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। एसटीडी वही है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है। आप देखिए, जब आप कोई भी वेबसाइट ओपन करोगे तो वहाँ पर सबसे पहले एसटीडी लिखा आता है, तो वो कोड होता है, वो प्रोटोकॉल होता है, जिसके हिसाब से वो इंटरनेट पर फाइल जो आप वेबसाइट खोलते हो। नेक्स्ट ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इज़ द कंपनी विच प्रोवाइड इंटरनेट सर्विस। अब देखिए, ISP क्या है कि जो इंटरनेट सर्विस कंपनी है, जो आपको सर्विस क्या प्रोवाइड करा रही है, उसको बोलते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। लैन लोकल एरिया नेटवर्क, देखिए इसमें क्या है कि जब एक बिल्डिंग में कोई इंटरनेट कनेक्शन दिया जाता है, तो उसके बिल्डिंग में जितने भी कंप्यूटर से कनेक्ट कर दिए जाते हैं, तो वो होता है लैन के जरिए। नेक्स्ट है PPP, यानी कि पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, इज़ अ सेट ऑफ रूल्स दैट अलाउ योर कंप्यूटर टू यूज़ द इंटरनेट प्रोटोकॉल यूजिंग ए फोन लाइन एंड मॉडम। देखिए, PPP यानी कि पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल क्या है कि जब हम कंप्यूटर में जब हम इंटरनेट को अटैच करते हैं, तो हम उसको मॉडम के जरिए जब इस्तेमाल करते हैं, तो वो होता है PPP। URL क्या है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, विच इज़ ए पाथ टू सर्टेन फाइल ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। देखिए, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर URL क्या है कि जब हम www के जरिए जब हम यानी कि कोई वेबसाइट को खोजते हैं, तो URL उस वेबसाइट को खोजने में हमारी हेल्प करता है, तो उसे बोलते हैं URL। हर एक वेबसाइट का URL अपना होता है। नेक्स्ट है USB, यूनिवर्सल सीरियल बस, ठीक है। यहाँ पे बस आएगा तो ऊपर वाले ने में आप ठीक कर लेना, यूनिवर्सल सीरियल बस है, ठीक है। USB आपको पता ही है कि जैसे कनेक्ट करते हैं कीबोर्ड को, कैमरा को, फ्लैश ड्राइव को, प्रिंटर को, ठीक है, अदर डिवाइस को, तो वो USB के जरिए होती है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है VR, यानी कि वर्चुअल रियलिटी। अब देखिए, VR बॉक्स आते हैं जिसमें मोबाइल डाल के आप आँखों भी लगा सकते हो। VR होता क्या है, ये थर्ड डायमेंशनल सीन है, यानी कि 3D सीन है ये, ठीक है, जो आप कंप्यूटर के ऊपर आसानी से देख सकते हो VR के जरिए, ठीक है। ये ज़्यादातर गेमिंग में इस्तेमाल होता है कि आपको ये लगता है कि आप रियलिटी में गेम खुद से देख रहे हो, ठीक है। VR ML यानी कि वर्चुअल रियलिटी मार्कअप लैंग्वेज, ये क्या है, ये 3D इमेज को दिखाता है, डिस्प्ले करता है, VR ML, ठीक है। तो देखिए, नेक्स्ट है सम कॉमन ईमेल एब्रीवेशन। पहले हमने कंप्यूटर का किया, फिर हमने ईमेल का, फिर हमने इंटरनेट का किया, तो आज हम फिर आगे करते हैं ईमेल का, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए, 2G4U यानी कि टू गुड फॉर यू, AWHFY यानी कि आर वी हैविंग फन येट, AYPY यानी कि एंड योर पॉइंट इज, GAL यानी कि गेट ए लाइफ, GMTA क्या है, ग्रेट माइंड्स थिंक अलाइक, J4F क्या है, जस्ट फॉर फन। नेक्स्ट है KISS यानी KISS यानी कि कीप इट सिंपल स्टूपिड, इसकी दूसरी फुल फॉर्म भी है कीप इट सिंपल एंड शॉर्ट, ठीक है फ्रेंड्स, कीप इट सिंपल एंड शॉर्ट, तो ये भी इसकी फुल फॉर्म है। नेक्स्ट है QL यानी कि क्विट लाफिंग, RUOK यानी कि RUOK, SITD टिल इन द डार्क। नेक्स्ट है स्टिल इन द डार्क आ गया यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट है TIC, टंग इन चीक, WYSIWYG यानी कि वट यू सी इज वट यू गेट, YYSSW या श्योर वट एवर, ZZZ यानी कि स्लीपिंग बोर्ड टायर, ठीक है, इसकी फॉर्म ये आपको पेपर में आ सकती है। अब हम बात करेंगे, ये लास्ट ही हमारा, कॉमनली यूज स्लैंग वर्ड्स। अब देखिए, स्लैंग वर्ड का क्या मतलब है कि जो कठिन भाषा, जो मुश्किल शब्द हैं, जो आजकल इस्तेमाल किए जाते हैं, मुश्किल शब्द हैं, उसे बोलते हैं स्लैंग वर्ड, ठीक है। तो देखते हैं, नेक्स्ट है, देखिए पहला है अका, AKA यानी कि आल्सो नोन एज, ASAP यानी कि एज सून एज पॉसिबल। आपने देखा होगा कि आजकल शॉर्ट फॉर्म में सब बातें करते हैं, तो ये स्लैंग वर्ड है, कठिन भाषा है, जो हमें पता नहीं चल पाती, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में देखते हैं क्या कहते हैं। AMA है आस्क मी एवरीथिंग, आस्क मी एनीथिंग। नेक्स्ट है BFF यानी कि बेस्ट फ्रेंड्स, फ्रेंड फॉर एवर, BRB बी राइट बैक, BTT बाय द वे, BAE यानी कि बिफोर एनीवन एल्स, CRAY यानी कि क्रेजी, ठीक है, यहाँ पे जेड नहीं लगा हुआ, CU यानी कि CU, DGMW यानी कि डोंट गेट मी रॉन्ग, DIY यानी कि डू इट योर सेल्फ, DM की फुल फॉर्म है डायरेक्ट मैसेज, EOD की फुल फॉर्म है एंड ऑफ डिस्कशन, F2F यानी कि है फेस टू फेस, FYI यानी कि फॉर योर इन्फॉर्मेशन, FOMO FOMO की फुल फॉर्म है फियर ऑफ मिसिंग आउट, GR8 यानी कि ग्रेट, HF की फुल फॉर्म है हैव फन, HTH की है होप दिस हेल्प, ICYMI की है
इन केस यू मिस्ड इट, आई डी के यानी कि आई डोंट नो, आई एम ओ यानी कि इन माई ओपिनियन, आई आर एल यानी कि इन रियल लाइफ, जे के की है जस्ट किडिंग, जे एल टी की है जस्ट लाइक दैट, जोमो जे ओ एम ओ की है जॉय ऑफ मिसिंग आउट, एल एम एल यानी कि लेट मी नो, लोल ये सबसे ज़्यादा चलता है, लोल आपने फेसबुक पे देखा होगा एल ओ एल लिख देते हैं, इसकी फुल फॉर्म क्या है देखिए, पहला है लाफिंग आउट लाउड, ठीक है, वैसे इसकी बेसिक फुल फॉर्म यही है लाफिंग आउट लाउड या लाफ आउट लाउड और लॉट्स ऑफ लव, ठीक है। नेक्स्ट है एम एम डब्ल्यू इनकी मार्क माई वर्ड्स, एन ए आपने देखा होगा एन ए लिखा होता है, कई जो एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं उस पर भी लिखा जाता है एन ए, ठीक है, आप किसी चीज़ को चेक करोगे यहाँ पर एन ए लिखा होगा, इनकी नॉट अवेलेबल, एन एन टी आर नो नीड टू रिप्लाई, एन पी नो प्रॉब्लम, ओ एम जी ओ माई गॉड, ओ टी पी, ओ टी पी आता है ना ये आपके फ़ोन में, ओ टी पी आएगा जब आप फॉर्म भरते हो कुछ भी करते हो, तो है वन टाइम पासवर्ड, पी एफ ए यानी कि प्लीज़ फाइंड अटैच्ड, आर टी यानी कि रीट्वीट, एस एम एच यानी कि शेकिंग माई हेड, शेकिंग माई हेड का मतलब है कि टू एक्सप्रेस डिसअप्रूवल, जब हम अपना सिर हिलाते हैं ना में यानी कि ठीक है, जब अपना सर हिलाते हैं ना करते हैं तो उसे बोलते हैं शेकिंग माई हेड यानी कि एस एम एच। टी बी ए फ्रेंड्स आपने टी बी ए बार बार देखा होगा, आप जब आप टेलीविजन देखते हो वहाँ पर लिखा आ जाता है कई बार टी बी ए, है ना, यानी कि उसका मतलब है टू बी अनाउंस्ड, वहाँ पर टी बी ए के साथ साथ एक नंबर लिखा जाता है, ठीक है। टी बी सी यानि कि टू बी कंटिन्यूड और टू बी कन्फर्म, टी बी एच यानी कि टू बी ऑनेस्ट, टी सी मैंने टेक केयर, टी एन एक्स मैंने की थैंक यू, टी क्यू भी होता है थैंक यू, टी वाई टी टेक योर टाइम, टी टी वाई एल यानी कि टॉक टू यू लेटर। नेक्स्ट है डब्ल्यू ए टी यानी कि वेट, डब्ल्यू डी वाई टी यानी कि व्हाट डू यू थिंक, एक्स ओ एक्स ओ जोक्सो यानी कि हक्स एंड किसेस, वाई ओ एल ओ यानी कि यू ओनली लिव वंस, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये था आज का लेक्चर, इसमें मैंने आपको सारा कुछ बता दिया है, इसमें देखिए मैंने आपको सबसे पहले यहाँ पे जनरल एप्लीकेशन बताई है आईसीटी में जो यूज़ होती हैं, उसके बाद फिर हमने यहाँ पे किया है ऑपरेटिंग सिस्टम या डाटा स्टोरेज के रिगार्डिंग जो है इसकी एप्लीकेशन, फिर हमने की है इंटरनेट के लिए, और हमने लास्ट में किया है स्लैंग वर्ड। तो आई होप आज आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।